Vivo Y58 वर्सेस Vivo T3। तो गाइस आज मैं करने वाला हूँ इसी दोनों फोन का कैमरा टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन, इंडोर आउटडोर, बहुत सारे फोटोज और वीडियोस मैंने क्लिक की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुँचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूँ किशोर, आप देख रहे हो राधा वेट्स। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास Vivo T3 वर्सेस Vivo Y58। तो गाइस बात करते हैं Vivo T3 की, तो यहाँ पे आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं यहाँ पे Vivo Y58 की, तो यहाँ पे भी आपको सेम वही ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल। और फ्रेंड्स बात करते हैं दोनों ही फोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको Vivo T3 के अंदर एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हैं यहाँ पे Vivo Y58 की, तो यहाँ पे आपको एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे इस दोनों फोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस सर्विसेज को यूज़ करते हुए इसे मैंने ढेर सारे फोटोज और वीडियोस क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी। तो एक्चुअली देखते हैं कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल। तो दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हो मैंने इसी Vivo Y58 और इसी Vivo T3 के फ्रंट कैमरा को यूज़ करते हुए क्लिक की है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन से आप व्लॉगिंग करते हो तो इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी जो आपने फोटोज़ एंड वीडियो सैंपल देखे मैंने इसी Vivo T3 और इसी Vivo Y58 के फ्रंट और रियर कैमरा को यूज़ करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइज़ आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे पर्सनली जो वो Vivo T3 का कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी, लेकिन जो सेल्फी कैमरा है वो Vivo Y58 का अच्छा है। अगर आपको भी इन दोनों में से कोई भी एक स्मार्टफोन जो बाय करना है तो चॉइस इज़ योर्स, आपकी क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से कोई भी एक स्मार्टफोन जो बाय कर सकते हो।
अदरवाइज दोनों ही फ़ोन अच्छे हैं, लेकिन वीवो T3 के अंदर आपको कैमरे को लेके बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट वीडियो हो गया, 4K वीडियो वगैरह आपको शूट करना है तो वो सारे फीचर्स वीवो T3 के अंदर अवेलेबल है। लेकिन सेल्फी कैमरे से इतना भी अच्छा कैमरा क्वालिटी नहीं आती, जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही होगा। तो एपिकेज की आपको यूडी पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।